eigenlijk altijd op zoek naar het invullen van nieuwe behoeftes. Die... How I build wooden underground roots. Mooi uit. Beetje... Van het label Weltevree. En daar binnen Weltevree ontwikkelen producten die... हम सब जानते हैं कि ताजा और स्वादिष्ट खाना हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन बाजार में उपलब्ध फ्रिज में खाना रखने से उसकी प्राकृतिक गुणवत्ता कम हो जाती है। लेकिन आज हम एक रोचक और अनोखे फ्रिज के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें आप अपने घर की सब्जियां, फल और भी बहुत सी चीजें लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं, वो भी कोई इलेक्ट्रिसिटी के बिना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम बात कर रहे हैं ग्राउंड फ्रिज के बारे में। तो आइए इस खास फ्रिज के बारे में और जानते हैं। Om dezelfde temperatuur, we kunnen hem ook kouder zetten, hè, dus dat je eigenlijk een koelkast hebt op. अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बगीचे में खेती करते हैं या घर के पास खेती करते हैं, तो ग्राउंड फ्रिज आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। ये एक अंडरग्राउंड फ्रिज है जिसका उपयोग आप अपनी चीजों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए कर सकते हैं। ग्राउंड फ्रिज जमीन के नीचे दबी रहती है, जिससे आपकी सब्जियां और फल अधिक समय तक ताजे बने रहते हैं। ग्राउंड फ्रिज में वेंटिलेशन सिस्टम होता है जो उचित एयर सर्कुलेशन को सुनिश्चित करता है, जो आपके प्रोडक्ट्स को खराब होने से बचाता है। ग्राउंड फ्रिज को बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, जो आपको बिजली बचाने में मदद करता है और पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदारी दिखाता है। ग्राउंड फ्रिज की तकनीकी विशेषताएं भी बेहद रोचक है। इसमें जमीनी तापमान मेंटेन रहता है, जो सब्जियों और फलों को सही मात्रा में ठंडा रखने में मदद करता है। ग्राउंड फ्रिज का उपयोग करना भी काफी सरल है। इसके साथ साथ इसके इंस्टॉलेशन में भी अधिक स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसके अलावा ये पर्याप्त रूप में वेंटिलेशन भी प्रदान करता है। ग्राउंड फ्रिज की स्टोरेज कैपेसिटी 3000 लीटर है, यानी कि नॉर्मल मारा फ्रिज जितनी सब्जियां, फल, चीज, वाइन या दूसरे प्रोडक्ट स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा स्टोरेज स्पेस ये एक ग्राउंड फ्रिज में है। उम्मीद है कि आपको ये ग्राउंड फ्रिज का आइडिया पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।